महानगर में चल रहे हुक्का बार पर एसपीसीटी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान सीओ कैंट प्रभात राय, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, इंस्पेक्टर कैंट रवि राय सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान कई दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर फरार हो गए तो कुछ जगहों पर सिर्फ वेटर मिले। पुलिस की टीम सबसे पहले मंगलम टावर में पहुंची, जहां दो हुक्का बार की चेकिंग की गई। उसके बाद गांधी गली और फिर जीडीए टावर में पहुंची और हुक्का बार की चेकिंग की। इस दौरान कुछ फ्लेवर भी मिले जिसको जब्त कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर बियर पी रहे लोगों को भी गिरफ्त में ले लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीटी विनय कुमार सिंह ने कहा, पीने वाले हो? नहीं, स्टाफ हो? जी। अच्छा, किसका है ये? मालिक का नाम बताओ। मालिक है अंकुर यादव, कर्पूर सिंह। नहीं मालूम है कहाँ के रहने वाले आप? मालिक से बात करो। अपने मालिक का नंबर दे दो। नंबर ये हमको लगता है कि साले भागे हैं, जान सकते हैं क्योंकि अभी खुशबू आ रही है। मीने वालों का नाम बहुत लिख दिया मुझे। जो गोली चली थी यहाँ नहीं चली है, यहाँ नहीं चली। आइसक्रीम तो लाते होंगे। ये अभी भी चलाएं बहादुर, ये अभी बन गया है बहादुर। हाँ सर, इसमें वाले में फ्लेवर डालते हैं इसमें। इसमें जी निकालो, उसी में पानी की है, नीचे पानी है। पानी वाला पानी वाला जी फ्लेवर हो गया। पीसते हैं तो आग से गर्म होता है, पानी नीचे वाले में से चिलम इसमें की ग्रिल इसमें पानी विदाउट लाइसेंस ये भी नहीं होना चाहिए। वो इसको डीएम साहब के यहां ले चलते हैं। जरा हमें जमा दो तीन नहीं लाना, करो पैकेट लाना। फ्लेवर 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 बहुत जल्दी है। फ्लेवर वहाँ डालो स्टोर। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाद फ्लेवर कहाँ है? फ्लेवर मोलाइसिस टू एप्पल। किसी टाइम से सत्ता इकट्ठा हुआ, फिर आज ये हुआ कि उसने फूल प्लाजा का लाइसेंस दिया था। फिर वहाँ
सर इसका एक्चुअली हबल है बेसिकली टोबैको इसमें तो बहुत सारे पहले सर दो चार होते थे अब तो इतने ज्यादा थर्टी का अभी रोटी बन रही पक नहीं पाई है सर स्टाफ लोग एक्चुअली चाबी स्टाफ लोग के पास रहता है ना बहुत सम्राट लेके अच्छा ये हुक्का बार का ब्रांड है धुएं के केस का और ले आओ हां तो कहां था उसी में ले लेंगे हम ले आए ये हुक्का बार का ब्रांड काफी राइट है आज की रिकॉर्डिंग तो होगी ना उसको दिखाओ थोड़ा इसी में फ्लेवर आज रात में शहर में संचालित कई हुक्का बार पे छापेमारी की गई वहाँ चेकिंग की कार्रवाई की गई
देर हो जाने के कारण अधिकांश हुक्का बार बंद पाए गए। यह छापेमारी लगातार जारी रहेगी और उसकी नियमित चेकिंग की जाएगी और जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं फूड ट्रक लाइसेंस वाले उनसे भी अनुरोध किया जाएगा कि यह हुक्का बार या मतलब इनका लाइसेंस है या जो संचालित हो रहे हैं वैधानिक हैं गैर वैधानिक हैं तदनुरूप फिर इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हाँ फ्लेवर मिले हैं उस पर 0.5% निकोटीन लिखा हुआ है, उसको भी हम जाँच के लिए ड्रग और फूड विभाग को भेजेंगे कि जो यह संचालन इनका हो रहा है ये वैधानिक है कि गैर वैधानिक है। नहीं हम कंसर्निंग जो सरकारी अथॉरिटीज हैं स्टेक होल्डर्स उनसे बात करेंगे और इसके बारे में चेकिंग कराई जाएगी।